Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another video. So this was our first day in Phuket. तो हम थाईलैंड गए थे. सो थाईलैंड से हम लोग दो दिन बाद फुकेट आए. एंड दिस वॉज आर होटल. वी स्टेड इन विंदम फुकेट. एंड हम जाते ही पूल में चले गए. दैट वॉज समथिंग वी वॉन्टेड टू. देन हम पटोंग बीच गए. हमने वॉक करी थोड़ी. वहाँ पर बहुत सारी जेली फिश थी. हमने वो देखी. फिर हमने एक ब्यूटीफुल सा सनसेट देखा. आई ट्राइड कैप्चरिंग इट बट देन हम वापस गए. वी रेस्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और ये था हमारा सेकेंड डे. वी स्टार्टेड वेरी अर्ली. सुबह 8 बजे निकल गए थे हम होटल से. वहाँ से 40 मिनट्स का रास्ता था होटल. होटल से हमें जहाँ पर हमारी स्पीड बोट थी, वी डिसाइडेड कि हम लोग फीफी आइलैंड वगैरह एक दिन वन डे ट्रिप होती है, हम वो लेंगे. एंड वी वेंट टू बोट रैंप फुकेट. यहाँ से हमें अपनी यॉट लेनी थी, स्पीड बोट लेनी थी. वी रीच देयर, हमें बैंड्स मिले. एंड देन वी स्टार्टेड. फिर हम ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी था, हम ब्रेकफास्ट कर सकते थे. एंड दिस वॉज आर इंस्ट्रक्टर फॉर द डे. और ही टोल्ड अस कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है. दैट व्हाट ही वाज टेलिंग अस. फिर हम अपनी स्पीड बोट की तरफ चले. जहाँ पर थे हमें ब्रीफिंग दी गई. एंड देन क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड अपेरेंटली उस दिन हाई टाइड्स थी. विंड बहुत तेज थी. तो दैट वाज अ कंसर्न कि अगर किसी को सी सिकनेस है तो दे गिव अस मेडिसिन ऑल्सो. So yes, then we moved to our speedboat. This was our speedboat, very neat and clean. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस कंपनी की कि सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था. हमने जो व्लॉग्स देखे थे जाने से पहले, वहाँ पर हमें कंसर्न था कि पता नहीं कैसी बोट्स होंगी क्या नहीं. बट येस, इट वॉज़ अ लाइक वेरी नाइस स्पीड बोट. और क्विक भी था, मतलब स्पीड बोट वॉज क्विक रादर देन अदर बोट्स. हमने सोचा तो था हम मिडल में बैठेंगे बट वी एंडेड अप सिटिंग इन द फ्रंट और दैट किल्ड अस. लोग थोड़े स्कैर्ड थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमें तभी समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी होने वाला है. एक घंटा हो चुका था और हमें फाइनली कुछ देखने में वो क्या कहीं तो आ गए. एंड पीपल स्लेप ऑन द वे बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइज या हो रहा था बहुत लोगों को. एंड वी रीच्ड माया बे. रियली से इतना सुंदर था, मतलब जहाँ उतरे थे वो भी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर. सो यहाँ पर हमारी बोट ने ड्रॉप किया हमें. एंड देन फिर हम अंदर की तरफ गए. इट वॉज अ वॉक. या इट वॉज अ प्लेजेंट बीच टू बी इन. और हमारे पास कुछ 40 मिनट्स थे इस बीच पर. फिर हमें फीफी जाना था. इंस्ट्रक्शन वॉज गिवन कि कब वापस आना है, कितने बजे तक हम यहाँ पर है. एंड देन वी मूव टू द बीच. और यहाँ पर वी वर टोल्ड, आर इंस्ट्रक्टर नेम वॉज एथन, ही टोल्ड अस कि यहाँ पर शार्क्स भी होती हैं, सो बी माइंडफुल. एंड यहाँ पर बेथ करना अलाउड नहीं है बिकॉज पानी में शार्क्स होती हैं. एक्चुअली हमें दिखी भी थी, आपको भी देखने को मिलेगा. बहुत छोटा, मतलब ऐसा बहुत अच्छे से नहीं दिखी बट यस इट वाज देयर. और हम स्लोली स्लोली बीच को देख पा रहे थे.
कि यस इट इज़ कमिंग एंड वी वर एक्साइटेड फॉर द बीच बिकॉज बैंकॉक में रह के हमने बीचेस नहीं देखे थे एंड देन पटोंग देखा फुकेत में आके एंड एज सून एज आई सॉ इट वॉज लाइक ओ माई गॉड सो ब्यूटिफुल इट वॉज सरियल टू सी समझ नहीं आ रहा मतलब वो था ना ब्यूटी यू कांट जस्ट डिफाइन इट वैसा था और कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा व्हाट वी सॉ सो दैट्स अस एक्साइटेड किड्स फॉर द बीच डे यस हम पहुंचे भी नहीं थे हमारी स्पेकुलेशन हुई सैंड होगी कि नहीं होगी कितनी होगी एंड लोग काफ़ी थे ऐसा नहीं था कि खाली था पर ऐसा भी नहीं था कि ओवर क्राउडेड था मैंने ये सुना था कि माया भी ओवर क्राउडेड होता है सीजन में ये मतलब एकदम पीक सीजन नहीं था तो इतना क्राउडेड नहीं था तो वी कुड एंजॉय हेयर जितने भी देर थे हम लोग यहाँ मुझे लगा नहीं था कि वो दिखेगा वो दिखेगा यू कुड सी इट ऐसे अच्छे से तो नहीं दिखा बट यस यू कुड सी कि वहाँ पर है और बोलते हैं मायावी में बहुत नॉर्मल है शार्क्स दिखना इसी वजह से पानी में जाना अलाउड नहीं है एंड स्टिंग्रेज भी है और जेली फिशेस तो है ही मतलब वो तो पानी में थी और बहुत ज़्यादा थी हर जगह और जेली फिश का स्टिंग is the worst then we headed back to our boat it was so beautiful main bhi video dekh rahi hu to mujhe aisa lag raha hai ki kaash main wapas jaake fir se jaun in jagahon par because bahut sundar thi sach mein jaise mayavi mein bahut sari shootings hui hain iski aise hi ye side mein mayavi ke side mein ek aur jagah thi jahan par shootings hui hain तो ये भी देखा हमने बहुत सुंदर जगह थी फिर वहाँ हमने थोड़ी बहुत मस्ती की फ़ोटोज़ क्लिक करी अगर आपको देखनी है तो डू चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट फिर हम नेक्स्ट गए केव्स देखने ये केव्स पहले तो अलाउड था विजिटेशन के लिए लेकिन अब रेस्टोरेशन वर्क के लिए दीज आर नॉट अप फॉर टूरिस्ट और जाना अलाउड नहीं था तो हमने बाहर से ही देखा और उसके बाद हमारी स्नॉर्केलिंग का शुरुआत सो हैव दिस सॉल्ट वाटर एलर्जी दैट आई गेट तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं जाऊंगी स्नॉर्केलिंग के लिए फिर हम गए मंकी आइलैंड बिफोर गोइंग टू फीफी आइलैंड यस सो यस हमने मंकीज़ देखे क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमें बहुत सारे मंकीज़ तो नहीं दिखे बट येस वी सॉ फ्यू एंड वी कुड अंडरस्टैंड कि इतना फेमस क्यों क्योंकि जैसा स्टोन वैसा मंकी डिफरेंस नहीं पता लग रहा था ऐसा आपको ध्यान से देखना पड़ता है टू सी कि ओके मंकीज हैं यहाँ पर देन वी मूव टू फीफी आइलैंड फॉर आर लंच एंड दिस वॉज फीफी आइलैंड यहाँ पर होटल्स भी थे यू कैन स्टे हेयर बट हमारा तो डे ट्रिप ही था सो वी जस्ट हैड आर लंच हम थोड़ी देर बैठे And then we headed back to we went to another island. So after lunch, फिर से snorkeling का break था, it was a 40 minutes snorkeling break. And हम फिर से नहीं गए क्योंकि रोहित को जाना नहीं था और मुझे salt water allergy है. इसलिए हम गए नहीं पर बहुत सुंदर था हर जिस तरफ देखो उस तरफ बहुत सुंदर था एक्सेप्ट जब सिर्फ पानी था क्योंकि पानी में तो क्या ही देखते सो आई वाज आस्किंग माय हस्बैंड क्या बोल रहे थे बोलते हैं कि गिरूंगा तो अंदर ही गिरूंगा बाहर नहीं
बिकॉज हम बाहर की तरफ बैठे हुए थे। फिर वहाँ ये स्टोन था, मतलब स्टोन बिग रॉक, वेरी बिग रॉक, और ये कैमल की शेप में था। सो वी वर देयर फॉर 5 मिनट्स, पिक्चर्स क्लिक करी, देन वी लेफ्ट देयर और हम एक आइलैंड पे गए जहाँ पर अब हम लोगों के पास 2 घंटे थे टू स्विम एंड टू चिल। यली सैंड बहुत ज़्यादा धंसने वाली थी तो पैर सिर्फ धंसे ही जा रहा था। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू वॉक, दिस इज़ आर ग्रुप, और हम इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कितने बजे तक वापस आना है एंड ऑल बेसिक वंस। देन यस वी देन मूव्ड टू द बीच और हमने अपना टावल बिछाया एंड वी डिसाइडेड कि अब चलते हैं पानी में, बिकॉज मैं पानी में नहीं गई थी एंड आई वॉज क्रेविंग फॉर इट बिकॉज आई लव लाइक गोइंग इन टू वाटर एंड स्विमिंग, बट वही ना हेल्थ इशूज की वजह से सब जा नहीं सकते। बट फाइनली डिसाइडेड कि चलते हैं, बट उसके बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो भी जो उसके बाद वापस थाईलैंड आके तो मेरा हाल बुरा था। तो यस वी हेड टू द बीच और हाँ हमने यहाँ बस अपना टावल बिछाया, हम थोड़े बैठे, हम स्नॉर्कलिंग स्विमिंग करी एंड वी एंजॉयड इट। स्विमिंग करके हम फिर वापस स्पीड बोट बैठ के वापस गए एंड वी रीच्ड आवर होटल। हमने थोड़ा हम फिर से पूल में गए थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ा रेस्ट किया, वी गॉट डन विद आवर डिनर एंड देन दैट वाज फॉरगेट। फिर हम नेक्स्ट डे वापस बैंकॉक आए एंड वी आवर होटल वाज जस्ट ऑपोजिट टू प्लैटिनम मॉल वेलादीगुलो, तो बहुत अच्छा था, हमारे लिए वॉकेबल था। मैंने बहुत कुछ तो शूट नहीं किया लास्ट के 2 दिन बिकॉज आई रियली वांटेड टू चेक बिफोर आई हेड बैक होम, बट यस वी डिड। देन हमने मैंगो स्टिकी राइस खाया, माय फेवरेट। हम ये गए थे, आई थिंक दिस इज खाउसा रोड, हम खाउसा रोड में शाम को थोड़ा घूमने के लिए, इट्स अ नाइट मार्केट, वी डिसाइडेड कि हम ऑलरेडी फुकेट से ट्रैवल करके आए थे एंड बहुत हेक्टिक डे होना था एंड आई हैड द सी वाटर एलर्जी जिसने हमें एक्चुअली हमें खासा रुक पूरा भी नहीं घूमा, हमें वापस जाना पड़ा बिकॉज माई बॉडी वॉज वेरी इची। प्लीज़ लेट मी नो अगर इफ़ यू गाइज हैव एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट कि आपकी बॉडी बहुत इची हो जाती है एंड वाट वी डू वेन यू गेट इट। तो दिस वाज खाउसांग रोड, बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ सोंकरन था, देन न्यू ईयर वाज कमिंग, नेक्स्ट डे से न्यू ईयर था इनका 13th of May, सो सोंकरन था तो इस वजह से बहुत कलरफुली डेकोरेटेड था। अभी आप लोगों को नाश्ते गाते हुए भी देखोगे और लोग के पास पिचकारियाँ भी देखोगे, अपेरेंटली वो होली खेलते हैं सोंकरन। फिर नेक्स्ट डे हुआ, हम शाम को थोड़ा मॉल निकले सीएम डिस्कवरी, वहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ भी थॉट जैसे देखते हैं और मुझे कुछ पसंद आ गया, आई गॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ। फिर हम लोग गए एशियाटिक रिवर फ्रंट, दैट वाज अ लास्ट डे, लाइक लास्ट डे सिर्फ ये रहता था तो वी डिसाइडेड कि चलते हैं शाम को, बहुत अच्छा था। एशियाटिक के लिए तो फ्री राइड थी, सो वी टुक द बोट एंड वी वेंट टू एशियाटिक रिवर फ्रंट, बहुत अच्छा था। शॉपिंग प्लेस है, यू कैन चिल सिट देयर, पर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं सो हमने इतना चिल तो नहीं किया। हाँ वी डिड रोम अराउंड और काफ़ी अच्छा था एशियाटिक रिवर फ्रंट भी, काफ़ी कुछ खाने पीने और घूमने को था, यू कैन जस्ट सिट एंड चिल देयर, वैसा वाइब था वहाँ का, बट वी डिडंट हैड दैट मच ऑफ टाइम। This is such a huge
huge nariyal. It's so huge. Like, see, this is my hand in front of me. It's big. It's full, bro, full. This was बैंकॉक आए, जिससे लंदन आए एंड दुबई आए, वैसे ही बैंकॉक आए. मिस्ट्री मैंशन था, कुछ जैसे कैरेसोल था, तो कुछ चीज़ें थी बच्चों के लिए, झूला बेसिकली जो बोले. एंड इट वाज लाइक ये थोड़ा डरावना था, टू बी ट्रू. आई एम नॉट एन आइसक्रीम पर्सन, पर आई एम टेलिंग यू, दिस रेस्टोरेंट हैड द बेस्ट आइसक्रीम आई एवर हैड. Mango sorbet sundae. No, not sorbet. That's mango ice cream sundae. That's mango ice cream sundae. The cheese is inclusive. Everything is like for teeny tiny size. Like their large is also very small. So anyone who is like small, extra small, medium, they will get the best. Diffuser, lemon grass. फिर हमने खाया पिया एंड देन वी हेडेड बैक होम. ये सीएम पैरागॉन था, उसमें सेलिब्रेशन हो रही थी सॉन्गकरण की, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरी कलरफुल फेस्टिवल फॉर देम. और बहुत बड़ा था, तो दे हैड लाइक 13th to 15th का ऑफ आवर. 13th का हमारा बैग था, तो इट वॉज द परफेक्ट टाइम कि हम लोग वापस आ रहे थे. एंड दैट वॉज इट आर बैंकॉक एंड फुकेट ट्रैवल. और हमने बहुत इन्जॉय किया. अगर आपने इन्जॉय किया हमारे साथ, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.